नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्सियम पर। और आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए न्यूटन्स लॉ के न्यूमेरिकल्स, है ना। तो एंजॉय कीजिए वीडियो, है ना। कल के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, है ना। तो सबसे पहला चीज़ था कि एक छोटा सा मास है, छोटा छोटा मास था M1, दूसरा मास था M2, दोनों के बीच का डिस्टेंस था r या फिर d जो भी है। तो फोर्स जो हमने बताया था यहाँ पर था जी, दोनों मास का प्रोडक्ट M1 × M2 बाय आर का स्क्वायर, है ना। ये था ग्रेविटेशनल म्यूचुअल अट्रैक्शनल फोर्स, जितना अल लगना है लगा लो, है ना। सिंपल है, यानी कि इस वाले बॉडी के ऊपर इस वाले ने एक F12 फोर्स लगाया और इसने F21 फोर्स लगाया, यानी कि 1/2 ने लगाया, 2/1 ने लगाया। एक्सेलरेशन निकाले थे हम लोगों ने, फिर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, और हमने सीखा था ये इंटरनल फोर्स होता है, यही तो था, है ना। तो चलो एक दो चीज़ और हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा वेक्टर वगैरह थोड़ा ऐड हो जाएगा यहाँ पर, तो हम लोग थोड़ा उस पर भी फोकस कर लेते हैं। कि सपोज़ कर लेते हैं कि मेरे पास दो वेक्टर दिया हुआ है ना। अगर ये ए वेक्टर है, सेकेंड है बी वेक्टर, और दोनों के बीच का एंगल है थीटा, तो रिजल्टेंट क्या होता है दोनों का, जो ये पैरेललोग्राम लॉ से हम लोग निकाल सकते हैं इसका रिजल्टेंट का वैल्यू, है ना। रिजल्टेंट तो आता है ए प्लस में बी, और इसका जो मैग्नीट्यूड यानी कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस रिजल्टेंट, वी कैन राइट एज √ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 AB कॉस ऑफ थीटा, है ना। कल भी हम लोगों ने एक सवाल देखा था और उसमें भी हम लोगों ने वेक्टर के एडिशन को देखे थे, आज हम थोड़ा और उस पर इलाबोरेट तरीके से पूरा का पूरा न्यूमेरिकल है आज, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं। अच्छा, दो चीज़ और सीखे थे इसमें, क्या इफ ए का जो मैग्नीट्यूड है वो बी के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाए, अगर ए का मैग्नीट्यूड और बी के मैग्नीट्यूड का जो दोनों का लेंथ है वो सेम हो जाए, तो रिजल्टेंट का वैल्यू था 2A cos θ/2, है ना। ये इस वाले कंडीशन पे होल्ड करता है कि अगर ए और बी का लेंथ सेम हो जाए तो जो रिजल्टेंट होगा वो हो जाएगा 2A cos θ/2। और यहीं पर एक छोटा सा एग्जांपल ये भी है कि अगर मान लेते हैं कि मेरे पास एक वेक्टर है ए ऐसे, है ना, और दूसरा वेक्टर है बी, और इन दोनों के बीच का एंगल बन रहा है 120 डिग्रीज का, तो रिजल्टेंट कितना आएगा, तो हम पैरेललोग्राम जानते हैं बनाने के लिए, है ना। तो ऐसे ही आ जाएगा रिजल्टेंट इसका, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 2A cos θ/2, है ना। अगर यहाँ पर 120 तो 120 cos कितना हो जाएगा 2A cos 120 का आधा, यानी कि सॉल्व करेगा तुमको ए मिलेगा, लेकिन तब मिलेगा जबकि ए का वैल्यू और बी का वैल्यू सेम हो जाए। ओ माय गॉड, यानी रिजल्टेंट भी बराबर हो जाए, है ना। ये वेक्टर में हम लोग पढ़े हुए, है ना। तो चलो ठीक है, इसके इन छोटे छोटे टॉपिक्स का। अच्छा, एक चीज़ और हम लोग समझते हैं यहाँ पर कि सर्कुलर मोशन वगैरह भी हम लोग जानते थे, अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, है ना, तो उसके पास कुछ वेलोसिटी अगर है तो उसके ऊपर जो भी नेट फोर्स लग रहा है इधर की तरफ वो हो जाता है हमारा mv² / radius r, है ना। इसका सेंटर से इसका रेडियस आर अगर है तो ये हो जाएगा mv² / r। हम लोग इन सब पे आज चर्चा चर्चा करेंगे, है ना। तो चलो ठीक है, कॉपी कर लो अगर ये हो तो, नहीं तो थोड़ा ये एकदम बस एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले के रूप में हम लोग इसको लिख लेंगे अभी, है ना। नोट कर लो, फिर आगे बात करते हैं। ये क्या था, दो वेक्टर का रिजल्टेंट, है ना। रिजल्टेंट कैसे लिखते हैं, और हाँ यहाँ पर क्या, दो वेक्टर अगर सेम है, लेट अस से जितना बड़ा ये पेन है उतना बड़ा ये पेन है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा 2A cos θ/2 आ जाएगा, है ना। तो ऐसे ऐसे ये लेंथ है ना, लेकिन हाँ इसी दोनों को अगर मैं 120 डिग्री पर रखूँ, टिक 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 टिक, है ना, तो ये लेंथ जो आएगा वो इसके ही बराबर आएगा। अरे बस समझ में, चलो ठीक है कॉपी कर लो। तो अभी हम एक पहला सवाल ले रहे हैं यहाँ पर कि एक छोटा सा मास यहाँ पर दिया हुआ है जिसका मास है m, है ना, एकदम बेसिक सवाल है, एसिडिक नहीं है, ओके, बेसिक बेस और एसिड पढ़े हो ना, ओके। इसका मास एम है,
यहाँ पर भी एक छोटा सा मास m दिया हुआ है, इनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ से आता d, ये भी d है और ये भी यहाँ पर छोटा सा मास d दिया हुआ है और जानना है। अच्छा एक और मास है यहाँ पर m, इस वाले मास के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है या फिर इस वाले मास के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है ना। अभी हम निकाल देते हैं इस वाले मास के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है इनके 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 कारण, है ना। तो ये देख लेते हैं, इसके कारण, इसके कारण और इसके कारण, इसको टिक 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 टिक, है ना, आसान है। तो सबसे पहले समझते हैं आखिर क्या हमको जानना है। इस वाले पॉइंट का नाम देते हैं ए, इसका नाम देते हैं बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी। सवाल क्या है, फाइंड फोर्स ऑन मास ए, ए वाले पर कितना फोर्स लग रहा है हमको वो जानना है। सबसे पहले एक छोटा सा बात कि इस एम को के ऊपर कौन कौन फोर्स लगाएगा, क्या ये एम मास इसको इधर खींचेगा। हम इसको कर देते हैं कुछ एफ डैश फोर्स, इस वाले मास ने भी इसको अपनी तरफ खींचना है ऐसे। ग्रेविटेशन का जो एट्रैक्शनल फोर्स है वो तो अट्रैक्टिंग लगेगा, है ना, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो इसको हम कह देते हैं एक कोई एफ फोर्स, और ये वाला भी, ये वाला मास इसको भी अपनी तरफ खींचेगा ऐसे एफ फोर्स। हाँ ये भी खींच रहा होगा इसको, ये इसको भी खींच रहा होगा, ये इसको भी खींच रहा होगा, बट हमें सिर्फ पूछा गया इस वाले मास के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, तो इन दोनों के, इन तीनों कारण, तो हम इन तीन इसके ऊपर बात करेंगे। अगर इस पे पूछेगा तो हम इसको, इसके कारण इस पर ऐसे निकाल लेंगे, इसके कारण ऐसे और ऐसे निकाल लेंगे। अरे बस समझ में, चलो अभी पहले इस पर निकाल लेते हैं। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जो समझने लायक है, क्या ये जो ट्रायंगल है इसमें ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री होगा क्या, क्यों होगा, क्योंकि देखो ये लेंथ अगर डी है तो ये भी तो डी ही दिया हुआ है ना इसमें, और ये 90 डिग्री पर है, तो अगर ये डी है और ये भी डी है तो ये तो 45 होना पड़ेगा। सिमिलरली ये भी 45 और ये भी 45 हो जाएगा, आ रही बात समझ में। तो ये दोनों तो 90 डिग्री पर आ गया है ना, ये दोनों जो फोर्स है 90 डिग्री पर आ गया, और कमाल का बात ये है कि दोनों फोर्स भी सेम ही होगा, है ना। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, जी एक एम दूसरा एम, अब भाई दोनों के बीच का डिस्टेंस आई थिंक डी, डी तो डी रूट टू हो जाएगा ये, तो डी रूट टू का होल स्क्वायर, तो यहाँ से हो गया जी एम का स्क्वायर बाय टू डी आई थिंक, हाँ सही है। और एफ डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, जी एम एम, अब भाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी कि डी का होल स्क्वायर, तो यहाँ से हो गया हमारे पास जी एम का स्क्वायर बाई डी का स्क्वायर, आसान है। अब हमको जानना है इस वाले मास के ऊपर कितना फोर्स लगा नेट। तो अगर मैं देखूं इस वाले मास के ऊपर, एक तो एफ फोर्स ऐसे लग रहा है, एक और एफ फोर्स लग रहा है ऐसे, और दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री, तो हम ये कह सकते हैं कि दो फोर्स अगर सिमिलर लगता है तो रिजल्टेंट कितना होता है, टू एफ कॉस थीटा बाई टू, दो बराबर है ना बाबा, है ना, दो टू एफ कॉस थीटा बाई टू लगेगा, तो और हम उसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, एफ रूट टू। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि अगर एक f ऐसे है एक f ऐसे है तो रिजल्टेंट कितना होगा, f रूट टू नहीं होगा, अरे बस समझो ना। तो यहाँ पर भी हमने f रूट टू लिख दिया, और ऑलरेडी इधर की तरफ f डैश लग ही रहा है, f रूट टू तो इन दोनों कारण इधर की तरफ लगा और एक f डैश इधर लग रहा है, तो रिजल्टेंट कितना हो गया, इन दोनों को मैं ऐड कर लूँगा, है ना, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए इज गेटिंग एज एफ रूट टू प्लस एफ डैश, और एफ का वैल्यू हम लोगों ने निकाला हुआ है, क्या निकाले थे, तो जी एम का स्क्वायर बाई टू, सॉरी टू डी स्क्वायर है यहाँ पर, टू डी स्क्वायर इंटू रूट टू प्लस एफ डैश की जगह पे हो जाएगा जी एम का स्क्वायर बाई डी का स्क्वायर। तो ये तो कॉमन आ रहा है क्या, यहाँ से जी एम का स्क्वायर बाई डी का स्क्वायर तो कॉमन आ गया, टू से यहाँ पर रूट टू तो कट जाएगा, वन बाय रूट टू प्लस
वन, दैट्स योर आंसर. ओके दैट्स वेरी इजी. ठीक है चलो कॉपी करो फिर देखते हैं नेक्स्ट सवाल, है ना. तो हम लोगों ने अभी एक जो सवाल किया था उसके अलावा मैं एक सवाल के बारे में बात कर सकता हूँ यहाँ पर, कि एक मास यहाँ है, एक मास यहाँ है, एक मास यहाँ है, यहाँ पर एम रखा हुआ है, यहाँ पर एम रखा हुआ है, यहाँ पर भी एम रखा हुआ है, इस वाले मास के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है इसके कारण हमको बताना है, जबकि इनके बीच का डिस्टेंस डी दिया हुआ है, है ना. कितना डिस्टेंस दिया हुआ है, डी दिया हुआ है. आ रही बात समझ में. तो एक काम करते हैं, किस पे निकालना है हमको, इस वाले मास के ऊपर फोर्स निकालना है. क्या करेगा ये मास, इसको पुश करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा ना, पुल करेगा, है ना, अपनी तरफ ऐसे कोई एक एफ फोर्स लगा देगा. ये भी अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करेगा, है ना, एक एफ फोर्स लगाया और कोई तो नहीं लगने वाला. और एज साइड्स आर इक्वल देन एंगल मस्ट बी इक्वल टू 60 डिग्रीज. ओ माई गॉड, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो रहा है क्या ये, है ना, ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी 60, ये भी 60, तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा. और दो फोर्स बराबर है तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 2f cos θ/2. तो रिजल्टेंट तो इधर ही आना चाहिए, है ना. तो हम कह सकते हैं रिजल्टेंट मस्ट बी इक्वल टू 2f cos 60/2. अरे बस समझे ना. तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, दैट्स 2f के जगह पे क्या लिखेंगे, g पहला मास दूसरा मास बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस d का होल स्क्वायर इंटू cos 30 डिग्री. और cos 30 का वैल्यू e^(log 75). ये कब से हो गया, cos 30 का वैल्यू √3/2 यानी होता है. ओके यहाँ से हो गया हमारे पास √3gm² / d का स्क्वायर, दैट्स योर आंसर. आ रही बात समझ में. दैट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, है ना. अभी और भी सवाल लेते हैं और फिर इस पर अच्छे अच्छे सवालों को थोड़ा इंटरप्रेट करते हैं. ये कॉपी कर लो पहले, है ना. तो अभी नेक्स्ट सवाल देखते हैं. छोटे छोटे टॉपिक्स के ऊपर सवाल बनाते लिए अब थोड़े ढंग के सवाल बनाते हैं. सवाल क्या है यहाँ पर, कर कि टू पार्टिकल्स है, दो पार्टिकल है, इक्वल मास का, गो राउंड अ सर्कल, है ना. तो एक सर्कल कुछ ऐसा है, इस पे दो पार्टिकल है, एक मास है m, एक और मास है यहाँ पर m, मैक्सिमम डिस्टेंस पर है रखा हुआ. गो राउंड अ सर्कल ऑफ रेडियस r, इसका जो रेडियस दिया हुआ है ये कुछ r दिया हुआ है, अंडर द एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स. वाह कितना अच्छा अंग्रेजी है ना. फाइंड द स्पीड ऑफ इच पार्टिकल, दोनों के पार्टिकल की स्पीड पूछ रहा है, यानी कि वेलोसिटी. आई थिंक सर्कुलर मोशन हो रहा है क्या यहाँ पर, है ना. इसका वेलोसिटी ऐसे मान लेते हैं और इसका वेलोसिटी ऐसे मान लेते हैं. इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो तो हम कह ही देंगे 2r ही होगा. आ रही वो समझे ना, अगर यार यार 2r, है ना. ओके ओके ओके. अच्छा बताओ एक छोटा सा बात, अभी अभी हम लोगों ने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखा था, बचपन से पढ़ते आए हैं हम लोग, है ना, कि सर्कुलर पाथ में जब भी कोई बॉडी घूमेगा इसके ऊपर एक फोर्स लगता है, जो भी एफ नेट लगता है वो होता है mv² / r के बराबर, है ना. तो एफ नेट जितना भी होगा वो हो जाता है mv² / r के बराबर. अब इस पर फोर्स लगा कौन रहा है, अगर हम इस मास को थोड़ा एनालाइज करें, इस पर फोर्स कौन लगाएगा यहाँ पर, यही तो लगाएगा. ये कितना लगाएगा, तो वही gmm/d², है ना, या r² वही लगा देते हैं. तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लिखेंगे g दोनों मास का वैल्यू mm / दोनों के बीच का डिस्टेंस 2r. r नहीं लेना है, 2r लेना है ना, दैट्स योर 2r का होल स्क्वायर, दैट्स योर mv² / r. दैट r इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल. ओके v² / r इज इक्वल टू gm / 4
आर स्क्वायर, देन वी कैन राइट एज जी एम बाई फोर आर। टिडिंग टिडिंग टिडिंग, आगे बात समझ में? दैट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। समझ में आगे बात? कि ये जो बॉडी है, ये मास है, ये मास इसलिए घूम रहा है क्योंकि ये मास इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ये मास इसको अपनी तरफ खींच रहा है, इसलिए घूमते जाएगा, है ना। कॉपी करो, फिर एक अच्छा सवाल देखते हैं, है ना। तो अगला सवाल कुछ यूं है कि आप लिखा थ्री पार्टिकल, पिछली बार था टू पार्टिकल। कॉपी करो, नोट करो, मुझे क्या है, मैंने तो यहां पर मेडिटेस किया, लिख दिया, है ना। इस बार थ्री पार्टिकल है ना, थोड़ा देखते हैं इस बार क्या हो रहा होगा। तीन पार्टिकल, एक पार्टिकल मैं यहाँ रख लेता हूँ, एक पार्टिकल यहाँ रख लेता हूँ, एक पार्टिकल यहाँ रख लेता हूँ। काहे रख लेता हूँ? यहाँ यहाँ नहीं रख सकते, नहीं रख सकते, क्योंकि अगर सिमिलर वेलोसिटी से रखा हुआ है तो हमको तीनों के ऊपर सेम फोर्स लगाने पड़ेंगे और तीनों एक दूसरे को अपने अपने हिसाब से अगर खींच रहा होगा तो इसी अरेंजमेंट पर ही अटैच हो सकता है ये पूरे कहानी में, है ना। तो ये तीनों मास हो गया एम एम एम, है ना, और ये हो गया सेंटर, और ये डिस्टेंस दिख रहा है आर, है ना। तो जानना है स्पीड, समझ रहे बात, हर कोई अपने अपने हिसाब से सेम वेलोसिटी से घूम रहा है ना, ये ऐसे। है ना, ऐसे रोटेट कर रहा होगा ना, आ रही बात समझ में। तो कैसे निकालें, हम एक काम करते, इस वाले मास के ऊपर फोर्स निकाल लेते हैं, इसको घुमा देते हैं, मेरा काम बन जाएगा, आ रही बात समझ में। तो इस पर कैसे काम होगा, इस पर कैसे फोर्स होगा, कौन कौन लगा रहा होगा इस पर? ये वाला मास खींच रहा होगा अपनी तरफ और ये वाला मास खींच रहा होगा, तो ये इसके ऊपर एक एफ फोर्स लगा रहा होगा और ये भी इसके ऊपर एक एफ फोर्स लगा रहा होगा। इसके कारण इस वाले मास के ऊपर जो छोटा सा मास है उसके ऊपर एक जो ऐसे एफ लग रहा है और एक एफ ऐसे लग रहा है, इसलिए जो फोर्स लगेगा ऐसे, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, 2F cos, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 60 डिग्री, क्योंकि ये लेंथ, ये लेंथ, ये तो तीनों कॉर्ड हो जाएगा सर्कल का, है ना, तो 60 डिग्री एंगल बनेगा, तो 2F cos 30 डिग्री, 60 का आधा, है ना। इसी फोर्स के कारण ये रोटेट करेगा, है ना, सर्कुलर पाथ मोशन करेगा। अभी जस्ट पिछला सवाल था, ये तो था, क्या सीखे थे, एफ नेट जो होगा हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर। एफ नेट के जगह पे क्या लिखेंगे, सॉरी, 2F cos 30 डिग्रीज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। 2F के जगह पे क्या लिखेंगे, F के जगह पे जी एम एम, यार है क्या, ये भी आ रहा है क्या, ये लेंथ कितना है, तो निकालना पड़ेगा कितना हो जाएगा, कितना, चलो देखते हैं यहाँ पर, है ना। तो ये आर हो गया, ये भी आर हो गया, मैं ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकता हूँ, ये 30 डिग्री होगा क्या, तो आर का कॉस 30 ये हो जाएगा और आर का कॉस 30 ये भी होगा, तो 2R का कॉस 30 डिग्री ये लेंथ हो जाएगा, है ना। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, यहाँ से देखकर डिस्टेंस में अगर डी कह दूँ तो डी मस्ट बी इक्वल टू 2R cos 30 डिग्री, तो 2R cos 30 का वैल्यू इतना भी नहीं पता, कच्चब लानत है आप पे मेरे पे। चलो ठीक है, F पे देखते हैं, F का वैल्यू कितना हो जाएगा, F का वैल्यू G M M, अब भाई दोनों के बीच का डिस्टेंस अभी हम लोग निकाले हैं, आर रूट थ्री इंटू कॉस 30 का वैल्यू रूट थ्री बाय टू इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, और यहाँ पर आर रूट थ्री का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि डिस्टेंस का होल स्क्वायर होता है। एम से एम कट गया, टिक टिक खत्म, तो यहाँ से हो गया हमारे पास रूट थ्री जी एम बाय आर इंटू थ्री, एक आर से आर मैंने यहाँ कटा दिया है, यहाँ पर हो गया वी का स्क्वायर और खत्म हो जाएगा। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट ओवर जी एम बाई रूट थ्री आर, आई थिंक दैट्स अ करेक्ट आंसर, इज दैट ओके। चलो बनाओ, टिक 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 टिक, इस बार सेम ये घोटाला है सर, ये घोटाला है, ये गलत है, फोर पार्टिकल इरेज करो कॉपी में। चलो ठीक है।
इस बार जो सवाल है उसमें चार मास दिए हुए हैं हमारे पास, है ना, और इसका रेडियस अगेन आर दिख रहा है, आर दिख रहा है, ये भी आर ही दिख रहा है, ये लेंथ तो आई थिंक 2R हो गया क्या ये ऐसे। अब मान लेते हैं ये डिस्टेंस कुछ ए मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, और ये 2R हो गया, तो हम लिख सकते हैं क्या कि ए रूट टू इज़ द 2R, है ना, ए रूट टू इज़ द 2R, ए मस्ट बी इक्वल टू 2R बाय रूट टू, दैट्स योर रूट टू टाइम्स ऑफ R इज द ए, ओके, तो दैट डिस्टेंस इज ए, दैट्स इक्वल टू रूट टू टाइम्स ऑफ R। क्यों निकाले हैं, समझ में आ ही गया होगा, बाबा हमको फोर्स चाहिए इस वाले मास के ऊपर, हम निकाल लेते हैं, इसने इसको ऐसे खींचा होगा या फोर्स से, इसने इसको ऐसे खींचा होगा या फोर्स से, इसने इसको अलग फोर्स से खींचा होगा एफ डैश से, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स कम लग जाएगा, अरे बस समझो ना, तो इस वाले मास के ऊपर कितने फोर्स लग गए, तो एक तो एफ एफ के कारण एफ रूट टू लगेगा इधर की तरफ, और प्लस में एफ डैश, अरे बस समझे, एफ एफ 90 डिग्री पर होगा तो एफ रूट टू इधर लग जाएगा और एफ डैश भी उधर ही लग रहा है, तो नेट फोर्स इस बार फिर से लिखेंगे एफ नेट इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, अरे बस समझे, एफ नेट का वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ रूट टू प्लस एफ डैश इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, और एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, जी एम एम अब बाई दिस डिस्टेंस इज ए, है ना, मैंने साइड लेंथ जो स्क्वायर टाइप का बनेगा उसको मैं कह रहा हूँ ए, और ए मस्ट बी इक्वल टू रूट टू टाइम्स ऑफ आर का होल स्क्वायर इंटू रूट टू, प्लस में एफ डैश का वैल्यू कितना होगा, एफ डैश का वैल्यू जी पहला मास दूसरा मास, मांस नहीं रे बाबा, दैट डिस्टेंस इज टू आर का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से दैट डिस्टेंस आर आर टू आर 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 टू आर आर, एम से एम कैंसिल आउट, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास जी एम बाय टू आर का स्क्वायर इंटू रूट टू, प्लस में जी एम बाय फोर आर का स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, आर से एक एक आर तो गया, और यहाँ पर से मैं ले सकता हूँ फोर तो एलसीएम ले सकता हूँ, तो जी एम है ना जी एम बाय आर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा रूट टू टू रूट टू प्लस में वन बाय फोर, अरे बस समझ में, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा फोर का, तो यहाँ पर टू नहीं था, टू से मैंने मल्टीप्लाई करते तो टू रूट टू प्लस में वन इज इक्वल टू वेलोसिटी का पावर हाफ, दैट्स योर आंसर। अब ये कैसे हुआ हाफ, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था, इधर चलाया रूट या हाफ, आ रही बात समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओके समझ में आ रही बात, तो सब में मैंने एक पहले मैंने एक एक मास रखा, फिर दो दो मास रखा, फिर चार चार मास, दो मास रखा था हाँ दो मास रखा, फिर तीन मास, फिर चार मास रखा, पांच मास भी कर सकते हैं, है ना, चलो ठीक है कॉपी करते हैं। चलो ये देखते हैं, दैट्स अ वेरी इजी वेरी 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 इजी सवाल, यहाँ कह रहा है दो मास है जिसका वैल्यू है एम, ईच आर हंग साइड बाय लॉन्ग थ्रेड ऑफ इक्वल लेंथ एल, कहना क्या चाह रहे हैं, यहाँ तक अभी हम लोग पंप पड़े तो यहाँ तक की बात कर लेते हैं, कहना यह चाह रहा है ये एक कोई सीलिंग है, यहाँ से एक एम मास को लटका दिया गया और एक और मास को एम को लटका दिया गया, दोनों का लेंथ एल दिया हुआ है, दोनों क्या करेगा खींच लेगा टक, अरे उसमें दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगा, तो ये थोड़ा कुछ यहाँ आ जाएगा और ये भी कुछ यहाँ आ जाएगा, एज बोथ मासेस आर आइडेंटिकल देन एंगल सबटेंडेड हियर एंड हियर मस्ट बी इक्वल, है ना, दोनों एंगल सेम होने चाहिए, अरे बस समझ में, कह रहा है ऊपर में जो ये जो डिस्टेंस दिख रहा है, ये जो डिस्टेंस दिख रहा है यहाँ से तक का डिस्टेंस, ये कुछ है आर, अरे बस समझ में, यहाँ पर कह रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन अपर एंड इज आर सो दैट डिस्टेंस डी बिटवीन द मासेस, ये जो डिस्टेंस डी आ रहा है इन दोनों के बीच का, ये इस चीज़ को सेटिस्फाई करेगा, है ना, दैट्स वेरी इजी क्वेश्चन, चलो पहले देखते हैं कैसे कैसे इसको सॉल्व करना है, इसको मैं टक 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 उड़ा देता हूँ, क्योंकि अब तो यहाँ है नहीं, ये तो अट्रैक्ट होकर के यहाँ पहुँच चुका है,
अरे बस समझ में ना, तो एम मास को मैं यहां नहीं यहां पर लिख लेता हूं, तो यहां है नहीं, है ना। तो सबसे पहली बात कि इसको अर्थ तो खींचेगा ही mg से, रस्सी अगर ऐसे लटका हुआ है तो इसमें एक टेंशन टी भी लगेगा ही, और अगर यहां पर थेटा है तो हम कह सकते हैं, अच्छा इसके ऊपर, इस वाले मास के ऊपर ये वाला मास अपनी तरफ एक फोर्स एफ लगा रहा होगा, जी एम एम बाय आर का स्क्वायर वाला, तो तीन फोर्सेस मुझे दिखे तो हम तीनों फोर्स के बारे में बात कर सकते हैं इस वाले मास के ऊपर। एक तो टी टेंशन जो लग रहा है, एक एम जी ऐसे लग रहा है, और एक इधर से एफ लग रहा है ना। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर इस टी का ये जो एंगल होगा ये भी थीटा ही हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल थीटा है, दैट मस्ट बी वर्टिकली, क्या बोलते इसको, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। तो टी कॉस थीटा इधर लग जाएगा और टी साइन थीटा इधर लग जाएगा। अरे बस समझ में, तो हम कहेंगे अगर ये बैलेंसिंग कंडीशन में है तो दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस वन एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस वन। तो क्या लिखेंगे यहाँ से, टी साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू फोर्स, फोर्स का वैल्यू क्या है जी, दोनों मास का वैल्यू अब बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस डी का होल स्क्वायर, और टी कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, वर्टिकल वाला डाउनवर्ड वाले के एम जी के बराबर। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से कि टेन थीटा आ जाएगा हमारे पास, है ना, जी एम बाय डी स्क्वायर टाइम्स ऑफ जी। तो ये आ गया हमारा टेन थीटा, इक्वेशन नंबर वन। एक और चीज हम देख सकते हैं यहाँ से, टेन थीटा का वैल्यू परपेंडिकुलर बाई ये बेस हो जाता है ना, तो ये लेंथ कितना आएगा, तो क्या ये आर है क्या, ये पूरा का पूरा लेंथ और ये डी है, तो ये जो बचा खुचा लेंथ होगा वो आर माइनस में डी होगा, नहीं समझा, ये पूरा का पूरा आर है और ये डी है, जो इतना और इतना जोड़ करके आएगा वो तो आर माइनस में डी आएगा, है ना। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, आर माइनस में डी का आधा होगा क्या, इधर भी हो जाएगा आर माइनस में डी का आधा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो आर माइनस में डी आ जाएगा। तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, तो टेन थीटा जो आएगा वो परपेंडिकुलर बाय बेस से आ जाएगा, आर माइनस में डी बाय टू और ये हो गया एल, है ना, ये दोनों बराबर हो जाएगा क्या, इक्वेशन नंबर टू। इस दोनों को बराबर करने से मुझे ये दिख रहा है ना, जी डी स्क्वायर आर माइनस में डी इक्वल टू टू एल जी एम आ रहा है ना, तो ये चीज बराबर करने से यही मिल रहा है। वेरी इजी क्वेश्चन, समझ में आ गया बात, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कह रहा था कि अगर दो थ्रेड है यहाँ पर रखा हुआ ऐसे, है ना, ऐसे था, दोनों मास यहाँ पर लटके हुए थे, दोनों मास ऐसे आ गए, खिंचा गए खिंचा गए खिंचा गए, अब रस्सी में टेंशन टी लग रहा है, एम जी ऐसे लग रहा है, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे ऐसे ऐसे वाले, है ना, एक इधर, ये वाला इधर वाले फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा, ऊपर वाला नीचे वाले को बैलेंस कर रहा होगा। मैंने बस इतना ही किया, दो स्टेप लिखा, तीसरा स्टेप चौथा स्टेप खत्म। आ रही बस मुझे, तो ठीक है कॉपी करो, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर कह रहा है कि एक मास है, सपोज करती है एक मास है, मैंने इसको दो पार्ट में तोड़ दिया, ठीक रहा है, इसको मैं अंदर रख लेता हूँ, इसको ऐसे था रखा हुआ, इसको मैंने तोड़ दिया, तोड़ के कुछ डिस्टेंस पर रख दिया, स्मॉल एम, एम माइनस में एम हो जाएगा, जो लिखा भी है ना, और दोनों को एक यहाँ पर मैंने स्मॉल एम रख दिया, यहाँ पर टोटल एम माइनस में स्मॉल एम रख दिया, दोनों को किसी डी डिस्टेंस पर रख दिया। अब बोल रहा है क्या रेशियो में मैं इसे तोड़ूं, या फिर एम का क्या वैल्यू हो जिससे कि दोनों के बीच का लगने वाला जो फोर्स है वो मैक्सिमम हो जाए। याद रखना है इसको कि आधा आधा तोड़ेंगे तभी मैक्सिमम होगा, बट वो कैसे आता है मैं वो देख लेता हूँ। ये याद रखना है कि दोनों का मास को आधा आधा जब ही रहेगा तभी मैक्सिमम फोर्स दिखेगा। अब मैक्सिमम की बात आई है, छोटा सा बात सीख ही सकते हैं कि मैक्सिमम के लिए क्या था कि डी वाई बाय डी एक्स का वैल्यू जीरो होता है, ये मैक्सिमम या मिनिमम दोनों ही केस में हम लोग इसको अप्लाई करते हैं, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, पहले फोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो फोर्स बिटवीन दीज टू मासेस मस्ट बी इक्वल टू एम सॉरी जी एम इंटू कैपिटल एम माइनस में स्मॉल एम बाय दैट डिस्टेंस डी का होल स्क्वायर। अब कह रहा है कि किस रेशियो में एम को तोड़े कि फोर्स मैक्सिमम हो जाए, फिर से समझना, स्टेटमेंट समझते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम फॉर विच ग्रेविटेशनल जो अट्रैक्शनल फोर्स है ये मैक्सिमम हो जाती है। किसको मैक्सिमम करवाना है, फोर्स को मैक्सिमम करवाना है, तो उसको लिखेंगे पहले डी एफ, किसके रिस्पेक्ट में, मास के रिस्पेक्ट में, डी एफ बाई डी एम जो होगा वो जीरो होगा,
है ना। तो ये बात समझ में आ रही है, फॉर मैक्सिमम के लिए क्या लिखेंगे, फॉर मैक्सिमम फोर्सेस। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इन दोनों को इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इसको अच्छे से लिख लेते हैं क्या, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय डी का स्क्वायर माइनस में जी माइनस है यहाँ पर जी एम का स्क्वायर बाई डी का स्क्वायर, मैं इसी को डिफरेंशिएट कर देता हूँ। डी बाय डी एम ऑफ होल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय डी का होल स्क्वायर माइनस में जी एम का स्क्वायर बाई डी का स्क्वायर जो कि जीरो आएगा। अरे बस मुझे, तो इससे हम आगे बढ़ सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो जी कैपिटल एम और डी का स्क्वायर इस तो कांस्टेंट है, मैं इसको नहीं बदल रहा, ये एम का ही वैल्यू बड़ा घटा रहा है, तो इसको हम कांस्टेंट था बाहर निकाल लेते हैं। तो जी कैपिटल एम डी का स्क्वायर बाहर आ गया, एम का एम के रिस्पेक्ट वन हो जाएगा डिफरेंशिएशन, माइनस में जी बाय डी का स्क्वायर अगेन बाहर आ गया, और एम का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता था, तो यहाँ पर 2m आ जाएगा। अरे बस समझ में, जिसको लिखेंगे जीरो, टिक, जी 2m बाय डी का स्क्वायर, एम नहीं कटा है, एम है ना, जी से जी कट गया। और तो यहां से आ गया हमारे पास कैपिटल एम इज इक्वल टू 2m, तो स्मॉल एम का वैल्यू कैपिटल एम का आधा, आ रही बात समझ में ना। तो ये वही बोले थे कि आधा आधा कटेंगे तो मैक्सिमम फोर्स मुझे दिखेगा, कोई दिक्कत है? चलो ठीक है, यहाँ तक देखते हैं, फिर आगे एक सवाल करते हैं। अभी जो टॉपिक है वो है हमारा फोर्स ड्यू टू आर्क या फिर कुछ ऐसा बेंडेड मास है, मैं उसके कारण सॉरी मैं फोर्स निकालना चाहता हूँ। ध्यान समझना है, बहुत इजी है ये चीज़, है ना। तो कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, लेट अस से ऐसे ही कोई आर्क दिया हुआ है ना, इस पूरे का मास एम दिया हुआ है, यहाँ पर एक छोटा सा मास एम रख दिया गया है, और इस पर फोर्स निकालना है मुझे, और इसका जो एंगल है यहाँ से तक का एंगल है अल्फा, है ना। तो इसके कारण फोर्स निकालना है। सबसे पहला बात, क्या ये मास जो है छोटा है इसके सामने, या क्या दोनों आइडेंटिकल शेप का है, पॉइंट मास तो नहीं, फैला हुआ मास यहाँ से तक, तो क्या मैं वहाँ पर जी एम एम बाय आर स्क्वायर लगा सकता हूँ। जिस समय कल बता रहे थे पिछले वीडियो में, उस टाइम पर हम ये चीज़ बताए थे कि जब भी न्यूटन फोर्स लगता है वो पॉइंट मास पे लगता है, ये बहुत बड़ा मास है ना, यह डायमेंशनल थोड़ा मामला गड़बड़ कर देगा ये, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, छोटा मास एज यूजल तोड़ना पड़ेगा। अरे बस मुझे ना, तो छोटा मास जैसा हम लोग पहले भी सेंटर ऑफ मास वगैरह में करते आए हैं, रोटेशन में भी किए थे, है ना। तो मैं चाहता हूँ स्मॉल एम मास रख दिए यहाँ पर, है ना। अब हम एक छोटा सा यहाँ से उसको मिला दे रहे हैं, एक छोटा सा मास काट लिए, एकदम छोटा सा ऐसे, ठीक है। और मैं इस सबको थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ ताकि ज़्यादा विजुअल आए, कोई दिक्कत है? हम सिर्फ इस वाले मास के ऊपर बात करेंगे, है ना, इस वाले मास के ऊपर। ध्यान समझना इस पूरे कॉन्सेप्ट को, सिर्फ इस वाले मास को देख रहे हैं, इसका मास को मैं कह रहा हूँ डीएम। इसको यहाँ से तक मिला लेते, क्योंकि इसके पास कुछ छोटा सा लेंथ अगर होगा तो उसके कारण सेंटर पर कुछ तो एंगल बनाएगा ये, मैं उसे कह देता हूँ डी थीटा, और ये एंगल हो गया यहाँ से थीटा। आ रही बात समझ में, ये हो गया हमारा डी थीटा और ये हो गया थीटा। तो ये लेंथ कितना होगा, हम जानते हैं एंगल का डेफिनेशन होता है आर्क लेंथ बाई रेडियस। आ रही बात समझ में, तो आर्क लेंथ कितना ये है ना, और रेडियस हो गया टोटल, इसका रेडियस आर हो गया, तो जो आर्क लेंथ होगा वो एंगल इंटू रेडियस, एंगल है यहाँ पर डी थीटा इंटू रेडियस है आर, तो हो गया आर डी थीटा, है ना। सेंटर ऑफ मास में हम लोगों ने ये सब बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ था। मुझे चाहिए इसका डीएम का मास, हम लिख सकते हैं कि भाई इसका लेंथ कितना है, एंगल अगेन अल्फा दिया हुआ है, रेडियस आर दिया हुआ है, तो मैं इसका लेंथ को एल बराबर क्या लिखूंगा, आर अल्फा। तो हम लिखना चाहते हैं इसका मास डीएम, तो डीएम कैसे लिखेंगे, एकदम आसान है डीएम लिखना, भाई मास पर यूनिट लेंथ, कंप्लीट मास बाय कंप्लीट लेंथ, कंप्लीट लेंथ कितना हो जाएगा आर अल्फा इंटू छोटा सा लेंथ आर
डी थीटा, आर से आर कट गया क्या, तो एम बाई अल्फा इंटू डी थीटा, ये हो गया हमारे पास डी एम का वैल्यू। एकदम आसान है, डी एम आ गया इस वाले हिस्से का मास। कोई दिक्कत है, मैं इसे इरेज कर रहा हूं, कॉपी कर लो पहले, इसको मैं इरेज कर रहा हूं इधर का हिस्सा को, ठीक है। हम यहां पर लिख रहे हैं अब डीएम का वैल्यू था अभी एम बाई अल्फा इंटू डी थीटा। अब एक छोटा सा चीज कि इस वाले मास के ऊपर ये वाला मास किधर फोर्स लगा, अपनी तरफ इधर खींच रहा होगा, है ना, तो इधर की तरफ एक फोर्स हम इसको इरेज कर रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। बस खाली सिर्फ समझना है यहाँ पर क्या हो रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा होगा, इसको मैं कह सकता हूँ एफ, है ना, और ये एंगल हो गया थीटा। अब इस एफ का दो कंपोनेंट हो जाएगा, एक इधर वाला और एक इधर वाला, अरे बस समझो ना, इधर वाला एक कंपोनेंट होगा और इधर वाला कंपोनेंट, इधर वाले को हम कह देंगे एफ का कॉस थीटा, इधर वाला हो जाएगा एफ का साइन थीटा। एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा आ रहा है। जब मैंने इस मास को कंसीडर किया था, क्या जस्ट हम इधर वाले एक मास के बारे में बात कर सकते हैं क्या, ये भी तो ऐसे एक एफ लगाएगा, उसके कारण एक एफ इधर बनेगा और एक एफ इधर बनेगा, है ना, तो इधर वाला तो जुटते चला जाएगा और इधर वाला एक दूसरे को कैंसिल करते चला जाएगा, तो नेट फोर्स मुझे इधर ही दिखना है, तो एफ नेट के बारे में बात कर सकते हैं यहाँ पर। तो एफ नेट कितना हो गया यहाँ पर, एफ कॉस थीटा। अच्छा, यहाँ पर छोटा सा मास के कारण लग रहा है, इसको मैं डी एफ का देता हूँ, तो डी एफ साइन थीटा वगैरह वगैरह यहाँ पर आ जाएगा, है ना, तो एफ नेट का वैल्यू डी एन कॉस थीटा को जोड़ देंगे तो नेट आ जाएगा, है ना, जोड़ देना पड़ेगा। अरे बस मुझे, चलो ठीक है, डीएफ के बारे में बात करते हैं। डीएफ क्या हो जाएगा, जी डीएफ का वैल्यू यही ना, डीएफ है जी एम एम, उसका मास था डीएम, अब बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस जो कि रेडियस ही था इसका, आर का स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा। आसान था यहां तक, और जी स्मॉल एम बाय आर का स्क्वायर बाहर आ गया, डी एम के जगह पे वही लिख देंगे एम बाय अल्फा, भी बाहर आ गया, अंदर में बच गया कॉस थीटा इंटू डी थीटा, है ना, तो यहाँ से हो गया जी एम का स्क्वायर आर स्क्वायर अल्फा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन थीटा, है ना। अब इसको इंटीग्रेशन के लिए लिमिट भी चाहिए, तो थीटा को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ जीरो से लेकर के अल्फा बाय टू तक, क्योंकि पूरा एंगल अल्फा था, तो यहाँ से यहाँ तक तो अल्फा बाय टू आ जाएगा, तो जीरो से अल्फा बाय टू तक, लेकिन इतना सा ही जुटेगा, इधर का तो छूट गया, तो दो से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं इसको, तो यहाँ से आ गया हमारे पास टू जी एम का स्क्वायर बाय आर का स्क्वायर अल्फा इंटू साइन अल्फा बाय टू, दैट्स योर एफ नेट। टिक 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 टिक, याद कर लो, मस्ट बी रिमेम्बर, ठीक है, इसको याद कर लो। अब अगर मेरे पास इसी में है ना, पहले इसको कॉपी कर लो फिर कुछ सवाल करते हैं ना। ये तीन सवाल है, कुछ नहीं पता इसमें, 90 डिग्री पता है ना, अल्फा का वैल्यू 90 डिग्री दिया हुआ, अगेन आर्क दिया हुआ है, तो इसका फोर्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, टू जी एम, है ना, एम एम यहाँ पर, या फिर इसका मास अगर एम था तो ठीक है, एम का स्क्वायर एम ही रख रहे हैं यहाँ पर, जी एम का स्क्वायर बाय आर का स्क्वायर, अल्फा के जगह पे यहाँ पर 90 डिग्री पर लिखेंगे पाई बाय टू, तो पाई बाय टू इंटू साइन 90 बाय टू यानी कि 45 डिग्री, है ना, तो यानी कि 45 डिग्री को 1 बाय रूट टू। है ना, तो हो गया टू रूट टू जी एम का स्क्वायर बाई पाई आर का स्क्वायर, दैट्स योर आंसर, है ना। तो सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगा हमारा एंगल पाई, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर फोर्स का वैल्यू, टू जी एम का स्क्वायर आर स्क्वायर पाई इंटू साइन 90 डिग्री, साइन 90 वैल्यू ई पे पावर लॉग 75, तो इसका वैल्यू हो जाएगा टू जी एम स्क्वायर आर स्क्वायर पाई, है ना, नहीं होता है बाबा, वन होता है, है ना, इसका एंगल कितना हो जाएगा पाई बाय थ्री, 60 डिग्री होता है ना,
यहाँ पर भी वैसे ही सॉल्व कर लेना है बाबा, है ना। दैट्स इट, इसको सॉल्व करके कर ही देना पड़ेगा, है ना। इतना कष्ट, जी एम का स्क्वायर बाय आर का स्क्वायर, अल्फा की जगह पे पाई बाय 3, और साइन 30 का वैल्यू हो जाएगा हाफ, ये कैंसिल आउट हो गया। तो 3 GM का स्क्वायर और आर स्क्वायर पाई, दैट्स योर आंसर, है ना। तो इतना इतना फोर्स लग रहा है ऐसे ऐसे आर्क पर। लेकिन अगर बोलेगा एक सर्कुलर रिंग है तो उसके सेंटर पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, टोटल एंगल हो जाएगा 360 डिग्री, और 360 का आधा हो जाएगा 180, साइन 180 का वैल्यू 0 हो जाता है, तो एफ नेट का वैल्यू पूरे रिंग के कारण सेंटर पर 0 आ जाएगा। ओके, इसके आगे एक सवाल है, हम उस पर थोड़ा सा बात कर सकते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास एक कोई रॉड है जिसका मास है m, और इसका कुछ लेंथ दिया हुआ है l, और यहाँ पर एक छोटा सा मास m दिया हुआ है जिसका लेंथ अगेन है l, इस पर फोर्स पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, इसका छोटा छोटा मास तोड़ेंगे, है ना, इसको कहेंगे dm, और उसे फोर्स निकाल लेंगे। और मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है यहाँ से तक कुछ x डिस्टेंस है, और इसका विड्थ हो गया dx, है ना। सबसे पहले डीएम लिखना पड़ेगा, तो डीएम बराबर क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ इंटू डीएक्स, और फोर्स जो लिखेंगे यहाँ पर एफ नेट बराबर लिखना पड़ेगा, इंटीग्रल करना पड़ेगा इस वाले मास के ऊपर, ऐसे ही फोर्स लगेगा जिसको डीएफ कहेंगे, इंटीग्रल ऑफ डीएफ, और तो कुछ लगेगा नहीं। तो डीएफ की जगह पे जी, इसका मास, इसका मास, अब भाई दोनों के बीच का डिस्टेंस तो एक्स है, एक्स का स्क्वायर कितना जाएगा, इंटीग्रल ऑफ जी एम, और डी एम के जगह पे लिख देंगे एम बाई एल एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स, और यहाँ से आ गया हमारे पास टिक टिक जी एम का स्क्वायर बाई एल इंटू एक्स रेस टू दी पावर माइनस में 2 चला जाएगा ऊपर में इंटू डी एक्स, और इसको सॉल्व करेंगे तो -2 -1 ये हो जाएगा, तो जी एम का स्क्वायर बाई एल यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -1/x, और x का वैल्यू l से लेकर के 2l तक, l से 2l तक, क्योंकि x का वैल्यू यहाँ पर l, यहाँ पर 2l, इसमें पुट कर लेंगे तो हमारे पास रिजल्ट जो आ जाएगा जी एम का स्क्वायर बाय l, और अपर लिमिट पहले पुट कर लेते तो -1/2l +1/l, है ना। तो 1/l में से 1/2l सब्सट्रेट हो जाए तो 1/2l बचेगा, तो हो जाएगा यहाँ से जी एम का स्क्वायर बाई 2l का स्क्वायर, दैट्स योर आंसर। आज बस समझ में, इस तरह के सवाल और भी होंगे बुक्स में, उसको बनाओ देखो क्या क्या होता है। न्यूटन्स लॉ के थ्योरी हम लोग ने पिछले क्लास में पढ़े थे, आज हमने न्यूमेरिकल कर लिए, कल हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ेंगे, ठीक है। तो कीप इंजॉइंग, लव फिजिक्स एंड शेयर, सब्सक्राइब, टिक 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 टिक, ओके बाय बाय।